एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 4 का एपिसोड नंबर 11। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था डिवो अपनी झूठी मौत के इल्ज़ाम में बैरी को फंसा देता है, जिसके लिए कि बैरी को उम्र कैद की सजा हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 11 की, जिसकी शुरुआत आयरन हाइट जेल से होती है, जहाँ पर कि सभी कैदी दंगा कर गार्ड्स पर अटैक कर जेल से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे कि बैरी अपने सुपर स्पीड से बारी बारी कर सभी कैदियों को उनके सेल में वापस से बंद कर देता है और किसी को यहाँ कुछ भी पता भी नहीं चल पाता है। और इसी के साथ आज बैरी को जेल में आए 1 सप्ताह कंप्लीट हो चुके हैं। तो वहीं अब दूसरी तरफ हमें सेंट्रल सिटी के एक शॉप में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक क्रिमिनल 3 लोगों को बंदी बनाकर सरकार से महंगी चीज़ की मांग कर रहा होता है। जहाँ पर एक तरफ हम जोय को देखते हैं, जो कि उस क्रिमिनल को अपनी बातों में फंसा कर रखता है, तो वहीं दूसरी तरफ हम डिबनी को देखते हैं, जो कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने हाथ लंबा कर तीनों नागरिकों को बचा लेता है, और इसी के साथ ये क्रिमिनल भी यहीं पर पकड़ा जाता है, जिससे कि अब सेंट्रल सिटी की जनता डिबनी को नया सुपर हीरो कहकर पुकारने लगती है और मीडिया वाले डिबनी का इंटरव्यू लेने लगते हैं। आगे इंटरव्यू के बाद डिबनी स्टार लैब जाता है और टीवी पर आ रहे अपने न्यूज़ में खुद को देखकर खुश हो जाता है। आगे अब आयरन हाइट में बैरी की मुलाकात एक्सल से होती है। तो फ्रेंड्स, एक्सल ट्रिक्स्टर का बेटा था। तो फ्रेंड्स, ट्रिक्स्टर वही जो लाइव आकर बम फोड़ा करता था, जिसे कि हमने सीजन 1 में देखा था, और एक्सल को जेल में बैरी ने ही पकड़ कर डाली थी। पर यह बात एक्सल को मालूम नहीं होती है, क्योंकि बैरी ने फ्लैश वाले रूप के साथ एक्सल को उस वक्त जेल में डाला था। आगे यहाँ लंच के बाद एक्सल अपने पेट में दर्द होने का झूठा नाटक करने लगता है, जिसे कि जब एक गार्ड इमरजेंसी रूम में चेकअप के लिए लेकर जाता है, तो यहाँ पर नर्स की ड्रेसअप में एक्सल की माँ जोय क्लार्क होती है, जो कि गार्ड को बेहोश कर अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग चली जाती है, जिसके बाद जोय यहाँ पर आयरन हाइट में इन दोनों के भागने के बाद छानबीन करने पहुँचता है, जहाँ पर आयरन हाइट का जेलर ओल्फे से जोय परमिशन मांग बैरी से मिलता है, और फिर बैरी का हालचाल पूछ कर यहाँ से जोय स्टार लैब पहुँचता है और सभी को एक्सल के फरार होने की बात बताता है, जिसमें कि इस बार एक्सल की माँ जोय उसका साथ दे रही है, जो कि ट्रिक्स्टर के साथ पास्ट में सिटी में ऑलरेडी तबाही मचा चुकी है। अब इधर हम एक्सल और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जहाँ पर जोय एक्सल को बताती है ट्रिक्स्टर यानी कि एक्सल का पिता कभी नहीं फैमिली चाहता था, इसलिए ट्रिक्स्टर जोय को छोड़कर कहीं दूर जा चुका है। तभी यहाँ पर एक्सल की नज़र टीवी पर डिबनी के बारे में आ रहे न्यूज़ पर पड़ती है, जिसे देख एक्सल जोय को बोलता है, फ्लैश नाम के चिरकोजे से ऑलरेडी मैं एक बार हार चुका हूँ, अब सिटी में दूसरा सुपर हीरो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अब यहाँ पर डिबनी को नुकसान पहुँचाने के इरादे से एक्सल गुस्से में यहाँ से निकल पड़ता है और अपने पिता की तरह ही सिटी के बीचों बीच सड़क पर लाइव आकर सभी के सामने खुद से फाइट करने के लिए डिबनी को चैलेंज करता है, जिसे कि स्टार लैब से देख रहे डिबनी को ये बात नॉर्मल लगती है और डिबनी यहाँ पर फौरन ही एक्सल के पास जाने को तैयार हो जाता है, जहाँ पर कि आयरिस डिबनी को इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने से मना भी करते, ये बोलकर कि एक्सल बहुत ही खतरनाक शख्स है, इसे इतने हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद भी डिबनी यहाँ अपनी टीम के साथ बिना कोई प्लान बनाए ही निकल जाता है और एक्सल के सामने पहुँचता है, जिसे देख कि सबसे पहले तो एक्सल एक बॉम्ब का बॉल डिबनी की तरफ फेंकता है, तो डिबनी उसे पकड़ लेता है। तब यहाँ पर इसके धमाके से सिर्फ कुछ क्षण के लिए डिबनी का हाथ गुब्बारे की तरफ फूलता है और फिर वापस से नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद ही अब एक्सल यहाँ पर डिबनी पर नुकीली स्टार से वार करता है, उससे भी डिबनी को कुछ नहीं होता है। तब यहाँ पर डिबनी एक्सल को चिढ़ाते हुए हंसना शुरू कर देता है, जिसे देखकर अब एक्सल को और गुस्सा आता है और वो एक खिलौने वाली गन निकालता है और उससे डिबनी पर शूट करता है, जिससे कि पिंक कलर की लिक्विड निकलती है। अब जैसे ये लिक्विड डिबनी के शरीर को छूती है, उसका शरीर जलने लगता है। तब यहाँ पर अब एक्सल हंसता हुआ बोलता है, कुछ भी बोलो, एसिड का अपना अलग ही जलवा है। अब डिबनी को यूँ घायल देख सिस्को यहाँ आता है और एक्सल को डिबनी से दूर कर फौरन ही ब्रिज के जरिए स्टार लैब वापस आ जाता है, जहाँ पर कि कैथलीन डिबनी की जली स्किन का ट्रीटमेंट करती है। तो इधर अब एक्सल झल्लाया हुआ वापस अपनी माँ के पास जाकर चिल्ला रहा होता है कि उसे किसी भी हाल में वो स्ट्रेचमेंट चाहिए, जिसे सुन जो यहाँ एक्सल को प्रॉमिस करती है कि वो जल्द ही एक्सल की इस ख्वाहिश को पूरा करेगी। तो ये दूसरी तरफ अब हमें आयरन हाइट जेल में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कुछ कैदी ग्रुप्स बनाकर बैरी को परेशान कर रहे होते हैं, जिसे कि वही का एक और कैदी, जिसे कि सभी बिग सर कह के पुकारते हैं, वो बैरी को इन ग्रुप से बचा लेता है और फिर चला जाता है। तब बैरी यहाँ पर उसके पीछे जाता है और उसे थैंक यू बोल पूछता है, आखिर बिग सर ने बैरी की मदद क्यों की। जवाब में बिग सर बैरी को बताता है, हेनरी यानी कि बैरी के पिता ने एक वक्त पर बिग सर की मदद करी थी, इसलिए बिग सर ने बैरी की मदद की इस वक्त।
तो इधर अब वापस से हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बातें कर रहे होते कि तभी यहाँ पर एक्सल और जॉय वापस से लाइव आते हैं और स्ट्रेचमैन यानी कि डिबनी को वापस से अपने पास बुलाते हैं ताकि एक्सल उसे अपने हाथों से मार सके। और अगर डिबनी नहीं गया तो वो अपने पास बांध कर रखे हुए बच्चे को दिखाते हैं जिन्हें वे अगर एक घंटा में डिबनी वहाँ नहीं पहुँचा तो वे इन बच्चों पर एसिड का सावर कर इन्हें मार डालेंगे। अब यहाँ पर बच्चों की जान खतरे में देख सभी डिबनी को एक्सल के पास जाने बोलता है उससे लड़ने के लिए। अब चूंकि पिछली बार डिबनी के जले स्किन से उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ था डिबनी इस बार एक्सल का सामना करने से साफ मना कर देता है और स्टार लैब से निकलकर बिना किसी को बताए छिपकर बैरी के पास पहुंचता है और बैरी को एक्सल से निपटने बोलता है। जहां पर बैरी डिबनी को ये बोल हिम्मत देता है कि डिबनी भी एक्सल को हरा सकता है क्योंकि डिबनी भी एक सुपर हीरो है। जिसे सुन अब यहाँ पर डिबनी वापस से स्टार लैब आकर एक्सल के पास जाने का मन बना लेता है जहाँ पर एक्सल जॉय को रोकने के लिए डिबनी के साथ डॉक्टर हैरिसनवेल सिस्को और कैथलीन भी जाने का मन बनाते हैं जहाँ पर कि सिस्को डिबनी के लिए नया सूट बनाकर दे देता है। आगे जब सबसे पहले किलर फ्रॉस्ट और सिस्को छिपकर एक्सल के ठिकाने पर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें दो लोग जिनका सिर ढका होता है उसे देख इन्हें लगता है वो दो बंदी बने बच्चे हैं। अब जैसे ही यहाँ पर सिस्को उनके सिर पर से कपड़ा हटाता है वो देखते हैं यहाँ पर जॉय और एक्सल होते हैं जो अब पकड़कर एसिड वाले सावर वाले जगह के नीचे सिस्को और कैथलीन को ही बांध कर रख देते हैं। तो इधर अब साइड में डॉक्टर हैरिसनवेल सावर से निकलने वाले एसिड लिक्विड को हैक कर उसे रोकने के चक्कर में होता है। आगे अब यहाँ डिबनी भी पहुँचता है और एक्सल और जॉय को परेशान करना शुरू कर देता है और फिर आखिर में डिबनी अपने पैरों को लंबा कर एक्सल को एक जोर का झटका लगाता है जिससे कि एक्सल वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अपने बेटे को यूँ बेहोश देख जॉय गुस्से में एसिड वाला सावर की बटन को पुश कर देती है ताकि डिबनी के दोस्त जल जाए। अब यहाँ पर अपने दोस्त के खाते डिबनी गुब्बारा बनकर उनके ऊपर आ जाता है। आगे जैसे ही सावर यहाँ पर ऑन होता है पर इससे डिबनी का शरीर नहीं जलता है इस बार क्योंकि तब तक साइड से डॉक्टर हैरिसनवेल सावर को हैक कर इसमें एसिड की जगह पिंक कलर की पानी डाल देता है कि तभी यहाँ पर जॉय भी अपने फोर्स के साथ पहुँचता है और फिर इस बार फिर से एक्सल और जॉय को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है जिसके अब अगली सुबह वापस से डिबनी का इंटरव्यू चलता है और इस बार डिबनी की टीम भी इसे शाबाशी देते हैं। आगे अब हमें आयरन हाइट में दिखाया जाता है जहाँ पर आयरिस अपने पति यानी बैरी से मिलने जाती है और बहुत सारी बातें करती है। तो ही अब एपिसोड के आखिर में हमें सिस्को और डिबनी को जीटर कैफे में दिखाया जाता है जहाँ पर कि दोनों में से कौन पेमेंट करेगा कॉफ़ी का इस बात पर नोक झोंक कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक लड़की अचानक से आकर इनसे बातें करने लगती है जिसे कि अब इग्नोर करते हुए ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि हंसते हुए वहीं पर बैठकर इन दोनों को देखकर कुछ लिखना शुरू कर देती है उसी साइन लैंग्वेज में जैसा कि जब बैरी स्पीड फोर्स से बाहर आया था वो लिख रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स इससे आगे की स्टोरी ना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है जिसे देखने के लिए ना आप हमारे चैनल पे यूँ बने रहे और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर मेरे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ अगर फ्रेंड्स आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ अपना फेस रिवील प्लस Q&A वाली वीडियो शेयर करूं तो उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम कर लेना है मेरे आज से आने वाले सारे वीडियोज़ पे 10K लाइक पहुंचाना है। अगर जिस दिन मुझे 10 दिन लगातार तक मेरे सारे वीडियोस पे 10K लाइक दिख जाएंगे ना उसके नेक्स्ट डे ही पक्का मैं अपना फेस रिवील वाला वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।